अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई एम सो सॉरी इतना टाइम हो गया और अभी तक कोई नई वीडियो नहीं आई। रीज़न बिहाइंड दैट कि जो लोग सिडनी में रहते हैं वो ये बात ज़रूर समझ रहे होंगे कि सिडनी में पिछले 3 हफ्ते से मूसलाधार बारिश हो रही थी और जो है बारिश रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। अब जब फाइनली बारिश रुक चुकी है एंड वी आर रेडी टू डू समथिंग न्यू, वीकेंड है, संडे का दिन है, नाइस ब्यूटिफुल वेदर, सनी, 22 डिग्री के करीब रहेगा। सो वी आर गोइंग फॉर अ फैमिली पिकनिक और ये आई थिंक पहली दफ़ा होगा जब से माई होल ड्यूरेशन इन ऑस्ट्रेलिया के हमने फैमिली पिकनिक बनाई हो। फैमिली पिकनिक होगी थिरूल बीच पे, जो कि मेरे घर से आई थिंक 45-50 मिनट दूर है। सबसे पहले जो है वो अपने भाई के घर जाएंगे, वहाँ पे फैमिली कैचअप होगा और भी जो फ्रेंड्स हैं वो आ रहे हैं। तो इट्स गोना बी अराउंड 8 to 6 पीपल एंड वी गोना गो टू द बीच, सो स्टे ट्यून्ड। अब्राहम का गिफ्ट लेना तो भूल ही गए थे और अगर ये गिफ्ट ना लेते तो मसला हो सकता था अब्राहम की तरफ से। लेट हो रहे हैं और भाई को झूठ बुलाए कि निकल गए हैं लेकिन अब भाग रहे हैं। बॉस यहाँ पे तो तैयारी पूरी है, लगता है हमें देर हो गई है। हम वाकई लेट हो गए थे, इसीलिए हमारे वहाँ पहुँचते ही हमें बीच के लिए निकलना पड़ा। बीच का रास्ता तकरीबन 40 मिनट्स का है। जब तक हम बीच पहुंच नहीं जाते, आप मेरा एक छोटा सा काम क्यों नहीं करते, नीचे दिए हुए सब्सक्राइब के बटन को हिट करें ताकि मेरी हर आने वाली वीडियो आप तक फौरन पहुंच सके और आपका प्यार मुझे बराहे रास्त मिल सके। प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड वॉच माई न्यू वीडियो। What are you doing? Making sand castle? Who built this sand castle for you? Who built it? Can you please tell me who built this one? Oh, your flower is running away. Got it. Got it? Very nice. तो जरा तैयारी पूरी है, फायर लाइटर नहीं लाए, फायर लाइटर लाना भूल गए जिससे हमने कूलर में आग लगानी है। तो अब जुगाड़ निकाली है, दिखाता हूँ आपको, इसके अंदर आग लगानी है और इस चूल्हे का इस्तेमाल किया जा रहा है कोयले जलाने के लिए, वरना यूजुअली यहाँ पे फायर लाइटर्स होते हैं लेकिन ये एक ही है हमारे पास और ये सारे को जला नहीं सकेगा। लेकिन देसी पाकिस्तानी अपनी अपनी जुगाड़ निकाल लेते हैं भाई। खुशी, हम में से कई लोग सारी जिंदगी खुशी को ढूंढते ढूंढते गुजार देते हैं और खुशी कहाँ छुपी होती है इसका हमें अंदाजा तक नहीं होता। जिसके पास पैसा नहीं होता उसको लगता है कि पैसा दुनिया की सबसे बड़ी खुशी है, लेकिन जिसके पास होता है वो ये बात समझ चुका होता है कि ऐसा हरगिज नहीं है। अभी हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने एक रिसर्च की जो इंसानी जिंदगी पे की जाने वाली सबसे लंबी रिसर्च है। उन्होंने 70 साल तक 1000 लोगों का डेटा रिकॉर्ड किया और 70 साल बाद उसमें से सिर्फ 50 लोग जिंदा रह गए। उन 50 के 50 लोगों में एक चीज कॉमन थी, वो एक चीज थी उनके अच्छे रिलेशनशिप्स। और अकॉर्डिंग टू दैट रिसर्च वो अच्छे रिलेशनशिप्स ही थे
जिसकी वजह से 70 साल बाद भी वो लोग हेल्दी और हैप्पी लाइफ गुजार रहे थे. हैप्पीनेस प्रूवनली अच्छे रिलेशनशिप से मिलती है. इसकी एग्जांपल आप यूं ले सकते हैं कि आपको लाइफ में कितने ही चैलेंजेस क्यों ना फेस करने हो या कितने ही बुरे हादसात आपके साथ जिंदगी में गुजरे हो, अगर आपके साथ रहने वाले लोग सपोर्टिव हैं और आपका उनके साथ एक अच्छा रिलेशनशिप है, दे कैन हेल्प यू टू रिकवर फ्रॉम दैट इंसिडेंट. लेकिन विदाउट एनी सपोर्ट और एनी मोरल सपोर्ट फ्रॉम पीपल अराउंड यू, इट कैन बी वेरी डिफिकल्ट. अच्छे रिलेशनशिप बनाने के लिए दो तरफा मुखलसी दिखाना बहुत जरूरी है. जब भी आप किसी के साथ एक नया रिश्ता जोड़ें, तो ये सोच के जोड़ें कि आप एक दूसरे को क्या दे सकते हैं, ना कि ये सोच के कि आप एक दूसरे से क्या हासिल कर सकते हैं. चाहे वो मियां बीवी का रिश्ता हो, बहन भाई का रिश्ता हो, या एक दोस्ती का रिश्ता हो, मुखलसी और ऑनेस्टी बहुत जरूरी है. मैं अपने सारे दोस्तों से यही चीज की उम्मीद करता हूं और यही मैं अपने दिल में रखता हूं. That's why I think I'm very, very happy, even though I'm not rich. I'm happy because I love the people around me, and I know a lot of you do the same. Thank you for watching. Signing out, Auran K Blogs.